जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 25.0 मिलीलीटर ऑफ 0.1 NaOH इज एडेड टू 25 मिलीलीटर ऑफ 0.08 HCl एंड फाइनल सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। तो जो हम आप देखो मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। तो वॉल्यूम इसका कितना है दे रखा, 25 इंटू 0.08, ये कितना आ गया 2। और मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका, NaOH का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मोलैरिटी 25 इंटू 0.01 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2.5। ठीक है, 2.5 आ गया HCl का और NaOH का मिली इक्विवेलेंट। तो NaOH का ज़्यादा है तो दोनों न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते, ठीक है, इसका ज़्यादा है और इसका कम है तो ये दोनों न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। रिमेनिंग OH कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2.5 माइनस 2 अपॉन में वॉल्यूम कितना देगा, 500 टोटल। ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.5 अपॉन 500 इज इक्वल टू 10^-3। ठीक है, तो हमें पता है जो H कंसेंट्रेशन और OH प्रोडक्ट OH का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-14 होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से OH निकाल लिया हमने, तो H 10^-3 किसका है, OH, और H कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-14। तो हमारे यहाँ से क्या होगा, H कंसेंट्रेशन आ जाएगा 10^-14 अपॉन में 10^-3, यानी कि हमारा H कंसेंट्रेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10^-11। ठीक है, और जब ये आ गया तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा pH की वैल्यू, pH इज इक्वल टू -log एच कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो -log कितना, 10^-11। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, --11, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये हमारा आ गया pH की वैल्यू कितना आ गया, 11। ठीक है, ये हमारे यही में फाइंड करना था। अगर मैं इस आंसर को अपने ऑप्शन के साथ मैच करूँगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, बी के साथ, तो बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर।